आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सब कुशल मंगल। तो आज हम बायोलॉजी में डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, और ये सेकंड सीरीज है इसकी। हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया है, और हम अब आगे के वर्ड्स डिस्कस करेंगे और उनके मतलब को समझेंगे। ओके, क्योंकि ये वर्ड्स बार बार बायोलॉजी में रिपीट होते हैं, तो इससे क्या होगा, अगर हम इसका मतलब समझ लेंगे तो ईजी हो जाएगा इसे पढ़ना, है कि नहीं? सो लेट्स स्टार्ट। तो एज यू कैन सी, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं विच आर 18 सच वर्ड्स जो बार बार रिपीट होते हैं। ओके, सो विल स्टार्ट विथ एग्रोलॉजी। नाउ व्हाट इज एग्रोलॉजी? एग्रोलॉजी क्या होती है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, जो क्रॉप प्रोडक्शन पे स्टडी की जाती है उसको एग्रोलॉजी कहते हैं। ओके, इट्स रिलेटेड टू एज यू कैन सी एग्रीकल्चर, है ना, एग्रोलॉजी। सो इट इज़ रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन। नाउ विल कम टू एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या होता है? एग्रोनॉमी में सॉइल मैनेजमेंट पे स्टडी होती है। ओके, नाउ अगेन दिस इज रिलेटेड टू सॉइल, तो यहाँ पे दो आते हैं, ठीक है, एग्रोलॉजी एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में सॉइल और एग्रोलॉजी में क्रॉप। ओके, तो यहाँ पे लॉजी और नॉमी का फर्क है। नॉमी में हम सॉइल पढ़ते हैं, लॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ते हैं। ओके, इसमें भी क्रॉप प्रोडक्शन पे कुछ हद पे स्टडी की जाती है, जैसे इस पे अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन आता है, और एग्रोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन आता है। ऑलराइट, इज इट क्लियर? फिर आता है एनजियोलॉजी। नाउ एनजियोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं? जब ब्लड वास्कुलर सिस्टम को स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनजियोलॉजी, जिसमें आर्टरीज, वीन्स, इस पर भी स्टडी की जाती है, ये भी उसमें इंक्लूडेड होता है, तो वो होता है एनजियोलॉजी। देन कम्स हैपेटोलॉजी। नाउ व्हाट इज हैपेटोलॉजी? जो लीवर पे स्टडी होती है, ठीक है, लीवर पे, उसको हम कहते हैं हैपेटोलॉजी। नेक्स्ट कम्स माइक्रोबायोलॉजी। ना माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पे स्टडी होना, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी और प्रोटोजोआ, इन सब पे जो स्टडी होती है ना, इसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे स्टडी करने को उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। फिर आता है नेफ्रोलॉजी। व्हाट इज नेफ्रोलॉजी? जो किडनी पे स्टडी होती है उसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ओके, तो लीवर पे हेपेटोलॉजी और किडनी पे नेफ्रोलॉजी। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट कम ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? जो बोन्स पे स्टडी की जाती है ना, पर्टिकुलरली बोन के सेक्शन पे, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑलराइट, फिर आता है ऑरिथोनोलॉजी। ऑरिथोनोलॉजी क्या होता है? जो बर्ड्स पे स्टडी होता है। ओके, तो बर्ड्स पे स्टडी करने को ऑरिथोनोलॉजी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी किसे कहते हैं फिर? जो कैंसर कैंसर रिलेटेड स्टडीज होते हैं, ठीक है, कैंसर पे ये बेसिकली फोकस होता है उस पर, तो उसको हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। एंड उसमें ट्यूमर भी आता है, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर वगैरह भी इसी में आता है। तो ऑन्कोलॉजी में क्या आता है? कैंसर एंड ट्यूमर। देन कम्स ऑप्थमोलॉजी। ऑप्थमोलॉजी क्या होता है? जो आइस पे स्टडी की जाती है। ओके, आइस पे स्टडी करने को कहते हैं ऑप्थमोलॉजी। देन कम्स पिस्किकल्चर, दैट इज फिश पे स्टडी करना। ओके, फिशेज इस पे मेन एस्पेक्ट होते हैं। देन आता है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी क्या होता है? जब भी वर्ड आएगा सोरोलॉजी, दैट मीन स्टडी ऑन लिजर्ड्स, है ना, छिपकली, तो ये बेसिकली छिपकली पे फोकस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सोरोलॉजी। फिर आता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री बहुत बार आता है, तो इसका मतलब क्या होता है? जो स्टडी होती है ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर पे, ठीक है, उनके केमिकल कंपोजिशन पे। तो बेसिकली यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन ज़्यादा फोकस पे रहता है, केमिकल कंपोजिशन पे स्टडी करने को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। किसके? ऑर्गेनिजम्स के। फिर आता है इथोलॉजी। नाउ व्हाट इज इथोलॉजी? इथोलॉजी में एनिमल्स के बिहेवियर पे स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, उसको हम कहते हैं इथोलॉजी। ऑलराइट, फिर आता है ऑफियोलॉजी। व्हाट इज ऑफियोलॉजी? जो स्टडी ऑफ स्नेक्स होता है, स्नेक्स पे स्टडी करने को ऑफियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस जितने भी तरह के स्नेक्स होते हैं ना, कोबरा, किंग कोबरा, सब सब इसी में आते हैं, छोटे बड़े सब पे स्टडी होती है, उसको हम कहते हैं ऑफियोलॉजी। फिर आता है एम्ब्रियोलॉजी। व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? इसमें एम्ब्रियो के स्टेज, उसके कितने डेवलपमेंट हो रहा है, इन सब पे स्टडी करते हैं, उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो एम्ब्रियो क्या होता है? जो जैसे कि जब मेल स्पर्म और फीमेल एग मिलते हैं, दोनों गैमेट्स मिलते हैं, तो इनके मिलने के बाद जो फॉर्म होता है वो जायगॉट होता है, और जायगॉट एक सिंगल सेल होता है। जब मल्टी सेल्यूलर हो जाते हैं, जब वो थोड़ा ग्रो हो जाता है, तो वो बन जाता है एम्ब्रियो।
ओके और एम्ब्रियो का नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, जब जब तक उसकी स्ट्रक्चर तो बन गया है पर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई है ना, प्रॉपर आईज पता नहीं चल रही है, तब तक वो एम्ब्रियो है। जब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जब उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाएगी, सारे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं, तो फीटस हो जाता है वो। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियो के स्टेज के बारे में, कि उसका कितना ग्रोथ हो रहा है, कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। ओके फिर आता है फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोलॉजी में वी स्टडी अबाउट द ड्रग्स, ठीक है, जो भी मेडिसिन वगैरह बनते हैं ना, उनके एक्शन पे स्टडी करना, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, वो सब उस पर जो एक रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है, दिस इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू ड्रग्स यानी मेडिसिन और उसके एक्शंस पे। फिर एनीमिया क्या होता है, एनीमिया क्या होता है, जो ब्लड में, ठीक है, हेमोग्लोबिन की कमी होती है, उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है, ये एक डिजीज जैसे होती है और ये बहुत लोगों में होती है, वुमेन्स में ज़्यादा एनीमिया की प्रॉब्लम्स होते हैं बिकॉज ऑफ उनके बॉडी में चेंजेस होते हैं हार्मोनल, इस वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से भी, तो एनीमिया की प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं वुमेन्स में। ओके तो क्या होता है, वो हेमोग्लोबिन कम होता है ब्लड में, उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। तो दीज आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इन बायोलॉजी, जो सिर्फ चाहे आप जब से बायोलॉजी आ जाती है ना बुक में, तब से ही आपको ये पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, एंड टिल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है इनके बारे में, चाहे वो यूपीएससी प्रीलिम्स हो, वहाँ भी पूछा जाता है, मेंस में वगैरह में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है, इवन डिजाइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, और इसके अलावा नॉर्मली 12th में 11th में भी एग्जाम्स में आता है, तो इसलिए 10th में बोर्ड में भी आता है। तो ये एक तरीके से यूनिवर्सली थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको आप अगर देखेंगे, क्योंकि वर्ड्स हैं, है ना, वर्ड्स आपको पता होते हैं तो आपको बहुत ईजी लगती है हर चीज़, तो इसीलिए इसे अच्छे से रिवाइज करें एंड अंडरस्टैंड देम। ओके सो आई होप आपको इससे हेल्प मिला होगा थोड़ा, एंड आप मुझे कॉमेंट करिए अगर आपको और कुछ टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आई विल वर्क ऑन दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।